राधे राधे। आप सभी को मेरे और मेरे लड्डू गोपाल जी की तरफ से मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं बताना चाहूँगी। इस बार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 को शनिवार को पड़ी है। मान्यता है इस व्रत को रखने से यह व्रत बहुत ही पुनीत माना जाता है और इस व्रत को रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में हमने बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं, कई गलतियाँ हमसे जानबूझकर हो जाती हैं, कई हमसे अनजाने में हो जाती। उन्हीं विकारों की मुक्ति के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और कहा जाता है कि इस बार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, जब हम मृत्यु की सैया पर होते हैं तो उसे भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं और हमारे सभी जो विकर्म पाप होते हैं वह धुल जाते हैं और मोक्ष के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है। तो मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना उनकी की जाती है और जो आपके आप अगर इसका व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी रख पाते तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जिस प्रकार आप हमेशा से पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। कोई बहनें इसकी कथा सुनती हैं, जिस प्रकार आप उनकी पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि वह भी भगवान विष्णु का अवतार हैं और उन वह भगवान विष्णु के अवतरित हैं, इसलिए आप उनकी जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि भगवान के भोग के लिए एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। और जी को पंचामृत से स्नान कराइए, कच्चे गाय के दूध से स्नान कराइए, जो पंचामृत है उसे स्नान करवा के भगवान का श्रृंगार कीजिए, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाइए। इस दिन भगवान को भोग भोजन का भोग नहीं लगाते हैं, ये बात आपको पता होगी। इस दिन उनको सागर का भोग लगाते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। इस दिन आप उनको दही दूध मिश्री मखाने फल कुछ भी अर्पण कर सकती हैं। नए वस्त्र तो उनको आपको जैसे आपके पास अगर नए वस्त्र हैं तो नए वस्त्र पहनाइए और हो सके तो ज़्यादातर पीले वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र बहुत ही पसंद हैं तो उनको पीले वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, कुमकुम रोली चंदन उन्हें सब कुछ अर्पण कीजिए और उनका बहुत भोग लगाइए। और फिर से बताना चाहूँगी, मोक्षदा एकादशी के दिन सभी बहनों से निवेदन है, शंकर जी के ऊपर जल जरूर चढ़ाइएगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए और पुष्प चढ़ाइए। जैसा आपके पास में जैसे आपके पास श्रद्धा है वैसे ही आप उनकी पूजा कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन फिर से वही बात कहना चाहूँगी, तुलसी तोड़ते नहीं है, भगवान का भोग लगाना है आपको तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ लीजिए, क्योंकि आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं। कोई भी एकादशी हो, ये नहीं मोक्षदा एकादशी के दिन ही तुलसी नहीं तोड़नी थी, किसी भी दिन आप उनको तुलसी नहीं तोड़नी है आपको। और लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए, सागर का भोग होता है और शंकर जी हैं उनके ऊपर कथान कराकर उनकी पूजा कीजिए। फिर से मैं बोलना चाहूँगी, राधे राधे। अगर आपको हम सब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। फिर से राधे राधे।